देखिए, इसके पहले हमारा कल डिस्कशन हुआ था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कल हमने जो आपको डिस्कस करके बताया था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की जो प्रूविंग कंडीशंस है वो तीन है। एक एस 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 पास्टुलेट्स, सेकंड आपका साइड एंगल साइड पास्टुलेट्स, और थर्ड आपका एंगल एंगल पास्टुलेट्स से आप ट्राइंगल्स को, टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें तमाम एक कंडीशन और डिस्कस हमने किया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल से हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसमें जो अल्टीट्यूड के एक साइड का जो ट्रायंगल होता है वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होता है। सेकंड जो ट्रायंगल होता है अल्टीट्यूड के दूसरी तरफ का जो ट्रायंगल होता है वो भी पूरे होल ट्रायंगल का सिमिलर होता है, और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हम कुछ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे कुछ एग्जांपल्स एप्लीकेशन देखेंगे। ये क्वेश्चंस है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एबीडी, ये एडजॉइनिंग फिगर है और इस क्वेश्चंस में एंगल एबीडी एबीडी, ये एंगल सीडीबी सीडीबी, एंगल पीक्यूबी पीक्यूबी, ये तीनों एंगल 90 है और तीनों का 90 एंगल है, और ये लेंथ भी दिया है ए बी की एक्स यूनिट्स है, सी डी वाई यूनिट्स है, और आपका पी क्यू जेड यूनिट्स है। आपको प्रूफ करना है 1/x + 1/y = 1/z। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए, ये जो ट्रायंगल है हम एक ट्रायंगल को इसमें अलग कर लेते हैं, जैसे हम पहले ए बी डी को अलग कर लेते हैं, ए बी डी। आप जरा देखेंगे ए बी डी है ना, ए बी डी ये 90 डिग्री है और ये पी क्यू को जरा देखिए, यहाँ पे ये पी क्यू बना हुआ, पी क्यू इसकी यूनिट एक्स है, इसकी जेड है, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले क्या करें कि हम लेट कर ले बी क्यू बराबर, लेट बी क्यू इक्वल एक्स यूनिट्स, ये लेट कर लें बी क्यू बराबर एक्स यूनिट्स, और क्यू बी एक्स यूनिट बल्कि ए यूनिट्स, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी गिवन है, बी क्यू ए यूनिट्स और क्यू बी बराबर बी यूनिट्स हम लेट कर लें। यहां पे आप लिख दीजिए ए यूनिट्स और यहां पे लिख दीजिए बी यूनिट्स, ठीक है ना। अब आप देखेंगे पहले इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए बी डी में ये 90 है, ठीक है ना, ट्रायंगल PQD में ए भी 90 है। अब बताओ इस पूरे ट्रायंगल में ये 90 और ये 90 है, आपका एंगल इक्वल है, और ये एंगल D जो है इस ABD का भी एंगल है और एंगल PQD का भी एंगल D है, यानी एंगल D दोनों ट्रायंगल में है, इसका मतलब कॉमन एंगल, इसका मतलब एंगल एंगल पास्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल में, बता दूं प्रूफ करना तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू डी, आप इन दोनों ट्रायंगल में लेकर के सबसे पहला एंगल ए बी डी इक्वल एंगल पी क्यू डी बराबर 90 डिग्री, ऐसे यहां पे रीजन लिख देंगे गिवन, क्या लिख देंगे यहां पे 90 डिग्री गिवन है, दूसरा एंगल डी कॉमन है तो लिख देंगे एंगल ए डी बी इक्वल एंगल पी डी क्यू, ये दोनों आपका क्या है कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है ना। अब ये कॉमन एंगल है, अब आपने देखा कि ये एबीडी और पीक्यूडी एंगल एंगल पास्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा, बहुत आसान सिमिलर जाने की बहुत इजी है। देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूडी के एंगल एंगल पास्टुलेट से, एंगल एंगल पास्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में क्या होगा करस्पॉन्डिंग साइड, तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड बहुत आसान है। देखिए इसमें चूंकि हमें ए बी, चूंकि इसमें ये जो तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है, दो ही की जरूरत है, जैसे आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में तीन साइड है ना,
ट्रायंगल में तीन साइड का रेशियो इक्वल होगा ना, लेकिन तीसरे की जरूरत नहीं यहाँ पे, जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है वही रेशियो हम लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमें जरूरत है AB अपान PQ, देखिए AB अपान PQ और बेस ले लीजिए BD, ये बेस क्या है BD अपान इसका बेस क्या है QB, ये दोनों इक्वल है, इसी की जरूरत है। AB अपान PQ और BD अपान QB, AB कितना है X, AB कितना है X, PQ कितना है Z और BD कितना है BD, जरा देखिए BD A प्लस B, BD कितना है A प्लस B, यहां पे A प्लस B कर दे, और QB कितना है QB आपका B, ठीक है ना, ये आपका हो गया। अब उसके बाद चूंकि आपने तुम्ही में देखा कि X क्या डिनोमिनेटर में है, X जब डिनोमिनेटर में है तो इसका मतलब इन दोनों में इनवर्टेंडो लगा दो, यानी दोनों को उल्टा लिखने पर, जिसको हम क्या बोलते हैं Z अपान X बराबर B अपान A प्लस B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन है ना, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी तरीके से इधर से देखिए ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BQP या BQP, ये सिमिलर हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे ये BDC और BQP ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा CD, पहले बड़े ट्रायंगल में CD, फिर ये PQ, PQ इक्वल, फिर बेस ले लीजिए इसमें, बेस आपका BD, इसमें बेस BD और इसका BQ, तो ये आपका आ गया CD कितना है CD Y है, PQ कितना है PQ Z है, और ये BD कितना है A प्लस B है, और BQ कितना है BQ A है। अब आप देखिए इसमें भी चूंकि Z Y डिनोमिनेटर में, दोनों को आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, Z अपान Y बराबर A अपान A प्लस B, इक्वेशन नंबर से है, ठीक है ना। अब आप देखो ये Y डिनोमिनेटर में है और ये आपका X डिनोमिनेटर में है। अब आप गौर कीजिए बात को, जो हमें प्रूव करना है वो इन दोनों के बीच कौन सा साइन है, प्लस। देखिए प्रूविंग करने की ये भी टेक्निक है कि हमें फाइंड, देखो दो चीजें ध्यान देना है प्रूविंग करने में, एक क्या चीज गिवन है और क्या चीज प्रूव करना है, दोनों को देखते हुए हम मतलब आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, गिवन से, और जब लास्ट में हम रिजल्ट लाते हैं तो रिजल्ट भाई हम किसी भी मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है हम कुछ भी ला सकते हैं। आप जानते हैं मैथमेटिक्स की खूबी है कि हम मैथमेटिक्स में लेके चल रहे हैं, कोई भी कंडीशन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें लाना क्या है उसके हिसाब से चेंज करना होगा, हमें इस बात का भी ध्यान देना है। देखिए हमें यहाँ लाना क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इक्वेशन एक है इसको और इसको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम दोनों ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी जेड अपान एक्स प्लस जेड अपान वाई बराबर, और कितना हो जाएगा बी अपान ए प्लस बी, और ए अपान ए प्लस बी चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ए प्लस बी यानी बी प्लस ए, आप जानते हैं कि बी प्लस ए और ए प्लस बी सेम होता है ना, ये कैंसिल होकर के वन आ जाएगा और ये बचेगा जेड अपान एक्स और जेड अपान वाई बराबर वन आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जेड 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 है तो हम इक्वेशन के बोथ साइड अगर हम जेड से डिवाइड कर दें, क्या करते हैं डिवाइड, आप जानते हैं कि इक्वेशन के बोथ साइड आप डिवाइड भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहां पे डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे वैसे यहां पे क्या आ जाएगा जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, यहां जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, यहां वन अपान जेड आ जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई इक्वल वन अपान जेड, ये आपका प्रूव हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं मतलब ऑन डिवाइडिंग क्या लिख सकते हैं, या रहने दीजिए जेड अपान एक्स प्लस जेड अपान वाई बराबर वन ऑन डिवाइडिंग बाय जेड ऑन बोथ साइड्स, इसको राइट कर सकते हैं, तो ये आपका रिजल्ट आ गया 1 अपॉन x + 1 अपॉन y = 1 अपॉन z, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बारीकी देखिए, मैं थोड़ा सा एक मतलब इसका बता दूं, आपने देखा इस क्वेश्चन में इस तरह के ट्रायंगल थे तो हमने क्या किया, पहले a b d में बड़े ट्रायंगल ये छोटा ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो हमने सिमिलर ट्रायंगल में करस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल का यूज किया जिससे इक्वेशन एक आ गया। उसी तरीके से हमने देखा ट्रायंगल bdc और ट्रायंगल bqp भी सिमिलर है तो corresponding side proportional किया, उससे हमारा दूसरा equation आ गया। फिर हमने देखा कि हमें proof क्या करना है,
प्रूव ये करना है कि दोनों को 1/x + 1/y दोनों को ऐड करना है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ गया 1/x + 1/y = 1/z। हैंस प्रूव देखिए, ये आप एग्जांपल 2, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। इफ द लैंप पोस्ट इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। ठीक है ना, तो इसमें पहले हम बना लेते हैं एक लैंप पोस्ट जिसकी एंगल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, गर्ल की हाइट है, लैंप पोस्ट जो 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है। इसका मतलब एक लैंप पोस्ट बनाते हैं, ये लैंप पोस्ट है PQ लैंप पोस्ट है, लिख रहे हैं लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट PQ क्या है, लैंप पोस्ट। जो PQ लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट की ग्राउंड से कितना एबव है, 3.6 ये एबव है ग्राउंड से, ये ग्राउंड से एबव है 3.6। ठीक है ना, और एक गर्ल है, एक गर्ल ऑफ हाइट 90, गर्ल की जो हाइट है 90 सेंटीमीटर, जब हाइट रहेगा, गर्ल इतनी बड़ी थोड़ी होगी, गर्ल की हाइट होगी, गर्ल की जब हाइट होगी, हाइट आपकी कितना है 90 सेंटीमीटर, यानी लगभग 0.9 मीटर, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 90/100 यानी 0.9 मीटर ऐसा ही यूनिट में, तो गर्ल की हाइट 0.9 मीटर है और ये वॉक कर रही है कहां से, बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट के बेस से वॉक कर रही है, यानी यहां से वॉक कर रही है, ये आपका बेस है और यहां से ये वॉक कर रही है, गर्ल जो है यहां से वॉक कर रही है, वॉक कर, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है जब यहां बेस से वॉक कर रही है इधर, तो आफ्टर 4 सेकंड के बाद उस गर्ल की शैडो क्या होगी, ये क्वेश्चन है, उस गर्ल का साइड ऑफ क्या होगा। तो अब मान लीजिए 4 सेकंड के बाद गर्ल यहां पहुंची, ये उसकी हाइट कितनी है, यहां है ना, गर्ल की हाइट कितनी है 0.9 मीटर, उसको हम ऐसा ही कर लिए। अब ये बताइए गर्ल यहां पहुंची, अब जाहिर सी बात है ये लैंप पोस्ट है, यानी रोशनी यहां से आ रही है, ध्यान दीजिए, यहां से जब रोशनी आएगी तो जाहिर सी बात इस पे पड़ेगी, इस गर्ल पे पड़ेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसका साइडो यहां आगे बनेगा, ध्यान दीजिएगा बात, आप जानते हैं कि साइडो बनता कैसे है, ये आप फिजिक्स के लाइट टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि जब लाइट यहाँ एक सीधे ट्रेवल करती है, लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट ऑलवेज एक स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, स्ट्रेट, लाइट कभी कर्व की मूर्ति नहीं है, एक कर्व की तरह नहीं रोटेट करती है ना, इसलिए लाइट जो रिफ्लेक्शन होता है उस रिफ्लेक्शन का रीजन यही होता है, इसी कैरेक्टरिस्टिक से ही शैडो बनता है, जो स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है लाइट। तो लाइट ये यहां से आई, यहां पड़ी, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहां इसका शैडो बन गया आगे, इसका मतलब 4 सेकंड के बाद ये मान लीजिए ए बी इसकी ये है, 4 सेकंड के बाद ये गर्ल ये यहां से यहां पहुंची और इसका शैडो कहां बनेगा, इसका शैडो यहां बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका जो दोनों का ये इस तरीके से डायग्राम है, ये है ना, इसका मतलब ए पी क्यू ए बी यहां से। अब इस तरह के डायग्राम आप ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में भी देखिए और इसमें ट्रिग्नोमेट्री की भी हेल्प से आप निकाल सकते हैं और सिमिलरिटी की भी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अभी आपने जाना कि ये आपका लैंप पोस्ट है, ये गर्ल से ये 90-90 है और सी कॉमन एंगल है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ट्रायंगल पीक्यूसी और ट्रायंगल एबीसी क्या है, सिमिलर है, एंगल एंगल पर 90-90 इक्वल है, एक कॉमन है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एंगल एंगल से आपका ट्रायंगल सिमिलर है। अब यहां जो गर्ल्स का साइडो मैंने बताया, ये गर्ल्स का साइडो बीसी होगा, इसको आप लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ साइडो बी एक्स यूनिट,
या चूंकि यहाँ पे मीटर यूज किया तो आप एक्स मीटर लिख कर, यहाँ पे यूज मीटर किया है तो यहाँ पे आप मीटर यूज कर लीजिए, एक्स मीटर यही साइड होगा, लेंथ ऑफ साइड हो एक्स मीटर। क्यों समझ में आ गया कि लाइट जो है इस पे पड़ेगी इस गन पर, यहाँ से वापस जाएगी, इसका साइड यहाँ बन जाएगा। तो आप इसे कोई भी रोशनी है आप उसके आगे खड़े हो जाइए तो रोशनी आपसे टकरा जाएगी तो आपका साइड आगे बनेगा। आप ऐसा प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, हमेशा कहीं भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, ये बीसी का साइड हो एक्स एक्स मीटर आपने मान लिया। ठीक है, अब ये बताइए गर्ल्स टू वॉक कर रही है कहां से, लैंप पोस्ट के बेस यहां से वॉक कर रही है, तो यहां लैंप पोस्ट के बेस से ये वॉक कर रही है और यहां तक आ रही है और यहां से यहां तक आने में उसको 4 सेकंड लगा और गर्ल्स की स्पीड आपका 1.2 मीटर है। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो तय की, डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल, तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल बराबर कितना है qb, और ये डिस्टेंस और डिस्टेंस का फार्मूला आता है स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इनटू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। आप जैसा कि जानते हैं स्पीड कितना गर्ल्स की 1.2 एसआई यूनिट में है और टाइम आपका 4 यानी 4.8 मीटर। ये आपका BQ का डिस्टेंस आ गया 4.8 मीटर और ये साइडों का डिस्टेंस आ गया x, इसका मतलब टोटल QC कितना आ गया, टोटल QC बराबर आ जाएगा QB plus BC, इसका मतलब 4.8 plus x आ गया QC। जैसा कि आप जानते हैं सिंस इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल AQC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप ये कह सकते हैं कि करस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, यानी AB अपॉन PQ अपॉन AB, जिस PQ अपॉन AB और बेस ले लीजिए QC अपॉन BC, QC अपॉन BC। हमें इसलिए किया कि हमें तीसरे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो गिवन है जो हमें फाइंड करना है हम उसी को लेके चलेंगे। आप जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, अगर हम इसका रेशियो लिखे तो 3 होती है, जैसा कि हमने कल आपको बताया एक दो एग्जांपल्स में। ठीक है ना, तो अब आप देखिए PQ, PQ कितना है, PQ आपका 3.6 है, AB कितना है, AB आपका 0.9 है, ये देखिए QC कितना है, QC आपका 4.8 प्लस x है, BC कितना है, BC आपका x। अब यहाँ डेसिमल वन प्लेस पे, डेसिमल वन प्लेस पे है तो एक एक प्लेस पे जब डेसिमल होता है तो डेसिमल आप रिमूव कर देंगे तो ये आपका जाएगा 36 अपॉन 9, यहाँ जाएगा 4.8 अपॉन x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल 4.8 प्लस x, इसको ट्रांसफर कर देंगे 4x माइनस x बराबर 4.8, यानी आपका 3x बराबर 4.8, यानी x बराबर 4.8 अपॉन 3, 3 बन गया 36, इसका मतलब x बराबर 1.6 मीटर। ये आपका क्या फाइंड हो गया, ये आपका फाइंड हो गया लेंथ ऑफ साइडो जो है आपका 1.6 मीटर, क्या गया आपका लेंथ ऑफ साइडो बराबर 1.6 मीटर। समझ गया, ये ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में मैंने एक बार तो आप बता दूं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने साइडों को एक्स मान लिया, हमने क्या किया यहाँ स्पीड दिया था और टाइम 4 सेकंड था, हमने ये BQB की डिस्टेंस निकाल लिया, उस डिस्टेंस को एक्स को जो हमने पुट किया था दोनों को प्लस कर दिया, हमें QC आ गया। चूंकि ऑलरेडी हम जानते थे कि ट्रायंगल PQC सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो हमने करस्पोंडिंग साइड आपको प्रोपोर्शनल कर दिया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने साइड लेंथ ऑफ साइड फाइंड हो गया और अब लेंथ ऑफ साइड आपका 1.6 मीटर है। ठीक है, वापस को एक्टिविटी।